हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर। एक बार फिर से ट्रिकी भाई विश्वगुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 12th क्लास का हिस्ट्री इतिहास का टर्म 2 का क्वेश्चन नंबर 15 से 19 का 5 मार्क्स का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। इसका मैंने पार्ट 2 लाया हूं। यह 5 नंबर्स का क्वेश्चन है और यह 5 अंक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो आपको टर्म 2 में 15 नंबर आसानी से दिला सकता है। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हो सके तो सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, यह आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इसे बहुत ही अच्छी ढंग से तैयार किया है, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में 15 नंबर आसानी से दिला देगा। दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें, अर्थात अकबर की क्या धार्मिक नीति है उसके बारे में बताना है। अकबर ने यह महसूस किया है कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, इसीलिए अकबर सभी धर्मों को अच्छी तरह से बात कर लेने का मार्ग पकड़ा। इसी को उसने सुलह ए कुल कहा। इस तरह सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर उसने दीन ए इलाही चलाया, अर्थात उन्होंने दीन अच्छी बात धर्मों को अच्छी बात लेकर ही दीन इलाही चलाया और बात को पकड़ने सभी धर्मों को पकड़ने के लिए उन्होंने सुलह ए कुल का कहा। इसके बाद है, शुरू में अकबर इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था। उसने इस्लाम की उन्नति हेतु अनेक मस्जिदों का निर्माण करवाया। वही दिन में 5 बार नमाज अदा नमाज पढ़ना, रोजे रखना, मौलवियों का आदर करना इत्यादि पर जोर दिया। परंतु बाद में अकबर दीन ए इलाही पर जोर दिया। अकबर ने धर्म को राजनीति से अलग रखा। उनके शासनकाल में सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म का पालन, पूजा पाठ तथा धर्म स्थल बनाने की पूरी तरह स्वतंत्रता दी, अर्थात उन्होंने अकबर ने धर्म के साथ कोई राजनीति नहीं किया। उन्होंने सभी धर्मों को एक समान माना। आप कोई भी धर्म के हो, आप अपनी पूजा पाठ या स्थल पूरी तरह से स्वतंत्रता इन्होंने दिया। अकबर ने नए हिंदू मंदिरों को निर्माण करवाने की अनुमति दी, अर्थात अकबर ने हिंदू को मंदिर बनाने का अनुमति भी उन्होंने प्रदान किया। इस तरह से अकबर ने कोई भी धर्म का विरोध नहीं किया, बल्कि उस धर्म को भिन्नता नहीं की। इसके बाद यहाँ आपका आ जाता है, अकबर ने सभी ने धर्म परिवर्तन पर रोक लगाया, अर्थात अकबर ने जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे उस पर भी रोक लगाया, अर्थात आप जो धर्म है वही धर्म में रहेंगे। इसके बाद अकबर ने कुछ प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया। इनमें रामायण महाभारत भी शामिल है, अर्थात अकबर ने जो हिंदू का ग्रंथ थे जैसे रामायण महाभारत, उनको फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। इस तरह से अकबर ने धार्मिक बातों पर ध्यान दिया और धार्मिक चीज़ों को जोर दिया, अर्थात कह सकते हैं कि अकबर ने धर्म के प्रचार प्रसार इत्यादि में अर्थात धार्मिक नीतियों का वर्णन इस प्रकार से किया गया, अर्थात उन्होंने धर्म के बारे में कोई भी राजनीति नहीं की, सभी धर्म को वे एक समान मानते थे। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, दांडी यात्रा क्या उद्देश्य था, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। इसका आंसर हो जाएगा, गांधी जी द्वारा अंग्रेजों द्वारा चलाए गए नमक कर के विरोध में चलाया गया आंदोलन नमक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपनी गिनी चुनी साथियों के साथ साबरमती से 240 किलोमीटर की दूरी दांडी नामक
तटीय कस्तबे तक की पैदल यात्रा की। दांडी द्वारा ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अर्थात हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर की दूरी उन्होंने पैदल तय की, जिसके अंतर्गत उनके सहयोगी भी उन्हें साथ दिए और उन्होंने के ही द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी शुरुआत किया गया। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया था और नमक कानून का उल्लंघन किया था। अर्थात हमारे गांधी जी ने दांडी पहुंचकर वहां पर नमक को उबालकर बनाया, साथ ही स्वतंत्रता के लिए देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में मनाया। इसके बाद है नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने अपनी निवेशिक ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीके से जवाब दिया। इस आंदोलन के जरिए गांधी जी ने समाज के सभी सबको प्रभावित किया। इस प्रकार दांडी मार्च अभूतपूर्व घटना साबित हुई, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया। तो इस तरह हमारे महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा का उद्देश्य को पूरा किया। अर्थात उन्होंने दांडी यात्रा को सफल बनाने के लिए उन्होंने पैदल यात्रा की, साथ ही उन्होंने समुंदर के पास जाकर उन्होंने पानी को उबालकर नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। साथ ही वे इस तरह उन्होंने अंग्रेजों का बहिष्कार किया। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, पहाड़िया लोगों को आजीविका, संथालों की आजीविका में किस प्रकार से, किस रूप से भिन्न है। अर्थात पहाड़िया लोगों का आजीविका और संथालों की आजीविका किस तरह से भिन्न है, उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ आंसर हो गया, पहाड़ी लोगों को आजीविका तथा संथालों की आजीविका में विभिन्न प्रकार का अंतर है, जो उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। पहाड़ी लोगों नंबर एक हो जाएगा, पहाड़ी लोगों को खेती कुदाल पर आधारित थी। वे राजमहल की पहाड़ियों में इधर गिधर रहते थे। वे हल के साथ साथ हाथ लगाकर पाप समझते थे। दूसरी ओर संथाल खेत की खेती यानी अस्थाई कृषि सीख रहे थे। वे गुजारिया पहाड़ियों की तलहटी में रहने वाले लोग थे। इसके बाद दूसरा का पॉइंट है, पहाड़ी लोग झूम खेती करते थे और जंगल के उत्पादों से अपना जीविकोपार्जन करते थे। जंगल के छोटे से भागों में झोपड़ियों को काटकर तथा घास फूस को जलाकर वे जमीन साफ कर लेते थे। राख की पोटाश से जमीन पर्याप्त उपज बन जाती थी। पहाड़िया लोगों उस जमीन पर अपने खाने के लिए विभिन्न प्रकार की दालें और बाजरा उगाते थे। इस प्रकार वे अपनी आजीविका के लिए जंगलों और चरागाहों पर निर्भर थे, किंतु संथाल अपेक्षाकृत अस्थायी खेती करते थे। वे परिश्रमी थे और उन्हें खेती की समझ थी, इसीलिए जमींदार लोग उन्हें नई भूमि निकालने तथा खेती करने के लिए मजबूर करते थे। अर्थात दोनों में यही अंतर था कि वे अस्थाई रूप से खेती करते थे, चारागाह पर निर्भर थे, जबकि संथाल अपेक्षाकृत अस्थाई खेती करते थे। वे परिश्रमी भी थे, इन्हें खेती की समझ थी, इसीलिए जमींदार लोग उन्हें नई भूमि निकालने तथा खेती करने के लिए मजबूर करते थे। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, शिकारियों झूम खेती करने वाले वालों खाद बटोरने वाला गाठ कोयला बनाने वाले वालों
एवं रेशम के कीटों पालन वालों के रूप में पहाड़ियाँ लोगों का जीवन जंगलों से अत्यधिक घनिष्ठतापूर्ण जुड़ा हुआ था। वे पूरे प्रदेश को अपने निजी भूमि मानते थे और भूमि उनकी पहचान एवं जीवन का आधार थी। अर्थात वे उन्हें घनिष्ठ संबंध उनको भूमि से था, जंगल से था, अत्यधिक जुड़े हुए थे था लोगों था। ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरह से वे भिन्न थे। अब इसको मैं आप एक दो और पॉइंट भी लिख सकते हैं या फिर आप 3-4 पॉइंट भी इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से इनको भिन्नता को बता सकते हैं। इसमें आप 3-4 पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं। अगर जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ देख लीजिए और भी पॉइंट हैं। लोगों के परवेश के घोर विरोध थे। दूसरी ओर खानाबदोश जीवन को छोड़कर एक स्थान पर बस जाने के कारण संथाल अस्थाई के खेती करने लगे थे।